रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। हाय एवरीवन, मैं शांति स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल कुक विद एसएस में। आज मैं आपके साथ बिना किसी मशीन के घर पर हम कैसे संतरों का जूस निकाल सकते हैं कि ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 6 संतरे लिए हैं और इन्हें हम बीज से काट लेंगे इस तरह से, और जो भी इनमें बीज होंगे उन्हें हम निकाल कर अलग कर लेंगे। इसी तरह से हम सभी संतरों को काट कर और उनके बीज अलग कर लेंगे। संतरों में विटामिन सी होता है जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है हमारी बॉडी के लिए, तो इसे हम घर पर बना सकते हैं बहुत ही साफ तरीके से और फ्रेश जूस बनकर तैयार होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इस तरह का एक विस्कर लेना है और एक बोल ले लेंगे जिसमें हमें जूस को निकालना है। अब एक संतरे का पीस लेंगे और इस तरह से विस्कर से उसे हम घुमाते हुए जूस निकाल लेंगे। आप देखेंगे कि नीचे जो बोल है उसमें जूस इकट्ठा हो रहा है, साथ में बीज भी जा रहे हैं, तो उसकी कोई चिंता नहीं है, हम उसे बाद में अलग कर लेंगे। ये देखिए, बस इसी तरीके से हमें सभी संतरों के जूस को निकाल लेना है। तो इस तरीके से मैंने सभी संतरों का जूस निकाल लिया है। ये देख सकते हैं आप, बोल में खट्टा हो गया है, साथ में बीज भी हैं और कुछ संतरे के पीसेस भी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे छान लेंगे, एक छन्नी लेंगे और इसमें हम जूस को डालेंगे और इसके बाद इसे इस तरह से चलाते हुए जो भी एक्स्ट्रा जूस है वो भी निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि बीज बिल्कुल अलग हो गए हैं और हमारा जो जूस है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। इसे हम एक ग्लास में डालकर सर्व कर लेंगे। बिल्कुल फ्रेश और हेल्दी जूस बनकर रेडी हुआ है। तो कैसी लगी ये ट्रिक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।